नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। साथियों, अगर आपने भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023-24 में अगर फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है, अगर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, अगर मेडिकल क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इतने दिन रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिरकार हमारा रिजल्ट ऑफिशियली साइट पर हमें कब देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब कई अभ्यर्थियों को ईमेल भेजी जा रही है, तो आखिरकार क्या ईमेल भेजी जा रही है, किस रीजन से ईमेल भेजी जा रही है, इसको लेकर के अभ्यर्थी बेहद परेशान है। आखिरकार इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको भी ईमेल आई या फिर नहीं आई, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही ईमेल किस किस अभ्यर्थी को भेजी जा रही है और क्या जिस अभ्यर्थी को ईमेल भेजी जा रही है वो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गया है, या फिर क्या रीजन ऐसा है कि उस अभ्यर्थी को ईमेल भेजी जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बिना स्किप के बिना छोड़े अंत तक आप मेरे दोस्त जरूर देखेगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ईमेल सीआरपीएफ ने भेजी है या फिर नहीं भेजी है, और आपने कौन से ट्रेड से फॉर्म भर रखा और कौन से स्टेट से भर रखा है, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि क्या आपको भी सीआरपीएफ ईमेल भेजने वाली है या फिर नहीं भेजेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं अपन कि आखिरकार ईमेल किस किस अभ्यर्थी को भेजी जा रही है और ईमेल किस वजह से भेजी जा रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना करके बताया था जिस टाइम आपका ट्रेड टेस्ट चल रहा था, साथ ही दोस्तों ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में जो आपका रीमेडिकल का टाइम चल रहा था, उस टाइम मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था कि भाई जिस भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, उस अभ्यर्थी को सीआरपीएफ भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं करेगी। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि ऑलरेडी ट्रेड टेस्ट में या फिर दोस्तों बात करें मेडिकल में या फिर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ना के बराबर अभ्यर्थी पास हुए। कई राज्यों में 100 वैकेंसी है तो वहां पर 130-140 ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो दोस्तों, इस वजह से सीआरपीएफ उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं करना चाह रही, इस वजह से उन अभ्यर्थियों को सीआरपीएफ मेल भेज रही है। अब बात करने वाले कि मेल किन किन कारणों की वजह से भेजी जा रही है और किस किस अभ्यर्थी को भेजी जा रही है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ईमेल किस किस अभ्यर्थी को भेजी जा रही है। तो दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में, जी हां साथियों, जिस भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में छोटी सी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो उसके नाम की मिस्टेक हो, चाहे उसके पिताजी के नाम की मिस्टेक हो, चाहे उसका कास्ट सर्टिफिकेट के मिस्टेक हो या फिर उसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मिस्टेक हो, इन चीजों में अगर कोई भी दिक्कत है तो उस अभ्यर्थी को सीआरपीएफ की तरफ से, जी हां साथियों, सीआरपीएफ की तरफ से मेल भेजी जा रही है। और भेजा क्या जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि आप फेल है, जबकि उस अभ्यर्थी को यह बताया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट में इस चीज की कमी रह गई है, तो आप अभी भी वो हमें भेज सकते हैं। और उसको भेजने के दो तरीके बताए जा रहे हैं। पहला तरीका बताया जा रहा है, उन्हें ईमेल आईडी दी जा रही है कि आप इस ईमेल आईडी के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ईमेल आईडी के अलावा भी वो एड्रेस भी बता रहे हैं कि इस जगह पर आप हमें ईमेल के थ्रू नहीं भेज रहे, तो आप आकर के ये डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं ताकि आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सके। अब दोस्तों, अगर आप में से भी किसी भी अभ्यर्थी को ईमेल आई है तो आपको क्या करना है, आपके जो ईमेल आई है उस ईमेल के अंदर एक ईमेल आईडी मेंशन कर रखिए कि इस ईमेल के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट आप उस ईमेल आईडी के ऊपर भेज दीजिएगा। और जिस भी अभ्यर्थी को आई है और वो नहीं समझ पा रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, उस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल वहां पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो ईमेल आईडी आपको मिल रही है या साथियों, जो ईमेल आईडी आपको मिली है उस ईमेल के ऊपर आप अपने वो डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। और दूसरी चीज, अगर आप उस ईमेल के ऊपर नहीं भेजना चाहते तो आप वहां पर जहां का आपको एड्रेस मिल रहा है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो बिहार का है, चाहे किसी अन्य स्टेट का है, तो उसको जो भी एड्रेस मिल रहा है उस एड्रेस के ऊपर जाकर के वो अपने डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवा दे। क्योंकि दोस्तों, अभी भी आपके पास में सीआरपीएफ की तरफ से टाइम दिया जा रहा है, बाकी आज तक ऐसा एक भी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं हुआ जिसने इतना टाइम किसी बच्चे को दिया है। और ये टाइम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों, इस भर्ती में अभ्यर्थी बहुत कम बचे हैं,
वजह से ये नहीं चाहते कि वैकेंसी खाली चली जाए। तो दोस्तों आपको भी अगर ईमेल आई है तो आप पहला काम आपको करना है, आप अपनी ईमेल आईडी खोल करके देखेंगे कि ईमेल आई है या फिर नहीं आई है। और अगर ईमेल आ गई है आपको तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से आपको ईमेल आई है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, डॉक्यूमेंट में आपके नाम में मिस्टेक हो सकती है, पिताजी के नाम में मिस्टेक हो सकती है, आपके माता जी के नाम में मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ज्यादातर अभ्यर्थी को मेरी 3 से 4 अभ्यर्थियों से बात हुई है तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है, इस वजह से उन्हें ईमेल भेजी जा रही है। बाकी नाम में पिताजी के नाम की अभी तक मुझे मेल नहीं मिली है, कास्ट सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की मेल मिल रही है। तो जिस भी अभ्यर्थी के कास्ट सर्टिफिकेट में छोटी सी भी प्रॉब्लम है, वो अभ्यर्थी जो भी आपको ईमेल आईडी मिली है उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दे, क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा है जितना धीरे प्रोसेस चल रहा है रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो सितंबर के महीने तक आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, सितंबर से पहले रिजल्ट आने की उम्मीद 1% भी नहीं है। दूसरी बात करूं, कई अभ्यर्थी इस चीज को लेकर के परेशान है कि सर मुझे मेल आ गई क्या मैं फेल हो गया इस भर्ती प्रक्रिया से। मेरे दोस्त आपको फेल नहीं किया गया है, आपको डॉक्यूमेंट आपके मंगवाए जा रहे हैं, अभी भी आपके पास में टाइम है, तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट की कमी रही है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा करके फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी मुझे कोई और अपडेट मिलेगा तो तुरंत मैं आपको वीडियो के माध्यम से कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे काफी मैसेज और कॉल आ रहे थे इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। बाकी आपका जुड़ने के लिए मेरे दोस्त तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।